संसार में तीन चीजें होती हैं, एक कृपा, एक कोप और एक न्याय। कृपा को मर्सी भी कहते हैं। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट को अधिकार होता है कृपा का और बाकी जजों को न्याय का, और कोप तो आप लोग जानते ही, दिन भर करते रहते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति सब आपस में लड़ते रहते हैं ना, वो कोप। तो कोप से हानि होती है, क्रोध का परिणाम हानि, दोनों का नुकसान होता है, एक का नहीं। जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है और जो क्रोध करता है, दोनों की हानि होती है। लेकिन मूर्खता के कारण वो कहता है मैंने उसको खूब डांटा, गालियां दी, उसकी भी ऐसी हालत कर दी, ये याद रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई कहे कि एक आदमी हमारे घर में घुस रहा था तो मैंने उसको खदेड़ा और चला गया खदेड़ता हुआ मैं एक किलोमीटर, तो भी याद करेगा। तो क्यों जी, खदेड़ने में जो परिश्रम भागने वाले को पड़ा, वही परिश्रम खदेड़ने वाले को भी पड़ा ना, दोनों हांफने लगे। इसमें कमाल क्या हुआ, अरे वो भागा, तुमने खदेड़ा, दोनों को परिश्रम बराबर, तुमने क्रोध किया तो तुम जले अंदर से, शरीर की हानि हुई, मन की हानि हुई, आत्मा की हानि हुई, क्रोध के आते ही सब हो गया गड़बड़। और जिस पर तुमने क्रोध किया वो अच्छा खासा बैठा था, उसको भी क्रोध आ गया, उसका भी नुकसान हुआ। तो अपना नुकसान करके दूसरे का नुकसान करना और ऊपर से ये बहादुरी दिखाना, हमने ऐसा किया, लेकिन करते हैं हम लोग, मानते नहीं, फिलॉसफी जानते नहीं। पहले अपना नुकसान किया, क्रोध आया, पहले उसको नहीं आया जिसको हमने डांटा, मारा, खदेड़ा, उसको तो बाद में आया, पहले तो हमारा लॉस हुआ। अंदर एक क्रोध नाम का भूत आकर के हमारी बुद्धि को नष्ट कर दिया। बाप को गाली दे दिया, माँ को गाली दे दिया, बड़े भाई को गाली दे दिया, गुरु को भी, भगवान को भी। क्रोध ऐसे ही होता है, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गीता कहती है कि जब क्रोध होता है तो उससे बुद्धि मोहित हो जाती है, सोचने की शक्ति नहीं रह जाती। तो फिर जब बुद्धि ही अपना काम करना बंद कर देगी तो वो चाहे काबिल हो चाहे मूर्ख हो, सब मूर्ख हो गए, सब बराबर हो गए। बाद में आप लोग सोचते हैं ना
मैंने बड़ी गलती की, ऐसा कर दिया, मैं बड़ा मूर्ख हूं। लेकिन जब किया उस समय अगर कोई आपसे कहता है आप गलत कर रहे हैं, चुप रहो जी, वो भी डांट खा जाता। ऐसा भूत है क्रोध का। तो क्रोध को आप जानते ही हैं, और न्याय ये तो बड़ा कठिन काम है। तब होता है न्याय जब दोनों पार्टी हमसे संबद्ध ना हो, प्लस जिस सब्जेक्ट में हम न्याय करने जा रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज हो, ये दोनों बातें हो तो न्याय भी हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में एक भी गड़बड़ है तो न्याय भी आप नहीं कर सकते। आपके बेटे और पड़ोसी के बेटे में लड़ाई हो जाए और आपको फैसला करने के लिए कहे, तो आप अपने बेटे के पक्ष में फैसला करेंगे, चुप रहो जी, हमारे बेटे ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे बेटे ने बदतमीजी की, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो महापुरुष है। क्या है तुम्हारा बेटा, नहीं मानेगा। महापुरुषों के यहां तो सब ठीक है। एक बार प्रहलाद के बेटे विरोचन और प्रहलाद के गुरु का बेटा, इन दोनों में होड़ हो गई कि कौन बड़ा है। राजा का बेटा, सारी पृथ्वी का राजा था प्रहलाद, उसके बेटे का ऊंचा स्थान है या उसके गुरु के बेटे का ऊंचा स्थान है, जटिल है, जजमेंट दोनों हो सकता है। लेकिन कौन फैसला करे, वो गुरु पुत्र ने कहा कि फैसला आपके पिता का। तो विरोचन ने कहा अगर मेरे पिता ने मेरे मुआफिक फैसला दे दिया तो आप कहेंगे भाई है तो पिता देगा ही बेटे के मुआफिक। तो गुरु पुत्र प्रहलाद के पुत्र की बात सुन करके गुरु पुत्र ने कहा मेरे पिताजी ने कहा है कि प्रहलाद न्याय कर सकता है, उसी में सामर्थ्य है, वो महापुरुष है, मायातीत है, उसका अटैचमेंट किसी में नहीं है, न बेटा न बेटी न बीबी किसी में नहीं। क्या ठीक है, चलो मैं तो प्रहलाद राजा की गद्दी पर बैठे थे, इन दोनों ने ऐसा मुकदमा पेश किया और कहा कि हुजूर फैसला दे। तो प्रहलाद ने कहा कि और शर्त लगा दी प्राण की, अगर तुम हारोगे तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ में, और अगर मैं हारूंगा तो हमारा प्राण तुम्हारे हाथ में। इतनी बड़ी शर्त, तो फैसला दे दिया अपने बेटे के खिलाफ। अकेला बेटा था और सारी पृथ्वी का राजा होने वाला था। अब फैसला हो गया, ऑर्डर दे दिया प्रहलाद ने अपने सर्वेंट्स को कि विरोचन को फांसी पर चढ़ा दो। पकड़ के ले गए उनके नौकर जाकर और फांसी पर खड़ा कर दिया। गुरु पुत्र ने कहा दूसरा प्रश्न एक और है प्रहलाद से,
क्या है? उन्होंने कहा अब ये बताओ कि तुम बड़े हो कि मैं? उन्होंने कहा भाई आप हमारे गुरु के पुत्र है, पूज्य है, बड़े हैं, हम तो राक्षस के लड़के हैं, हिरण्यकश्यपु के, आप हमसे बड़े? तुमने कहा हमारी आज्ञा माननी होगी तुमको। तुमने कहा मैं भी चढ़ जाऊं फांसी पर? कहे नहीं, उसको छोड़ दो अपने बेटे को, हमने माफ किया। प्रहलाद ने कहा छोड़ दो भाई, फांसी दे दो। ये कहते समय कोई धक धक नहीं, छोड़ दो ये कहते समय कोई खुशी नहीं, ये न्याय कर सकता है महापुरुष, संसार का आदमी नहीं कर सकता। वो तो तब कर सकता है जब दोनों पार्टियों में किसी से उसका कोई संबंध न हो, न भविष्य में किसी से कोई आशा हो। अगर आशा होगी भविष्य में तो भी फैसला सही नहीं करेगा। अरे ये मंत्री का लड़का है, इसके वहां पे फैसला कर दो तो मंत्री काम कर सकता है अपना कोई भविष्य में। लो हो गया पक्षपात। तो भगवान और महापुरुष को ही न्याय करने का ये पावर उन्हीं के पास है। इसीलिए संसार में जब कोई किसी को बहुत सताता है, बलवान गरीब को, तो वो कहता है ठीक है हमारा तुम्हारा फैसला भगवान के यहां होगा, भगवान भी न्याय करेगा ना। तो इसलिए न्याय कहीं कहीं हो सकता है यदि दोनों पक्ष से हमारा कोई स्वार्थ न हो और उस सब्जेक्ट की पक्की नॉलेज हो। अब एक जज फैसला देता है मर्डर किसने किया, वो बेचारा क्या फैसला करे? पुलिस वालों ने गलत आदमी पकड़ लिया और गलत गवाही खड़ी कर दी। अब जज को तो फैसला करना पड़ेगा उसी के अनुसार। एक जज थे शर्मा जी, बहुत पुरानी बात है, हम मुजफ्फर नगर में लेक्चर दे रहे थे, वो पहले पहल बने वो डिस्ट्रिक्ट जज, और उनके पास एक मुकदमा आया मर्डर का। तो बड़े परेशान, वो कहें कि हमको तो लगता है कि इसने मर्डर किया है, लेकिन ये जो प्रमाण है सब वो बड़े पक्के हैं उसके खिलाफ, क्या करें? अगर हम इसको फांसी न दें तो हाई कोर्ट हमारे खिलाफ लिख देगा कि पहले ही मुकदमे में तुमने घूसखोरी की, छोड़ दिया उसको, ये सब प्रमाण तो है सही सही। तो हमारे पास आए और बहुत रोए गाए, बहुत सत्संगी थे हमारे पुराने, कि महाराज मैं तो नौकरी नहीं करूंगा, ऐसे तो तमाम केस आएंगे हमारे पास और हम निरपराध को फांसी दे देंगे। तो जब तक पूरा ज्ञान न हो तो क्या न्याय करेगा कोई जाने? और अगर ज्ञान हो जाए और लिखा पढ़ी कुछ और कहती है तो फिर हाईकोर्ट खिलाफ लिख देगा, वो सर्विस से निकाल दिया जाएगा, ऐसी मुसीबत है। तो यहां तो ऐसे ही घपड़ सपट चलता है और कृपा तो कोई कर ही नहीं सकता।
जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक कृपा कोई नहीं कर सकता। स्वार्थ है ना, उसको आनंद चाहिए, आनंद स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए, दिव्यानंद। जब तक वो न मिल जाएगा तब तक कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, पति हो, सब अपने अपने सुख के लिए तिकड़म भिड़ाते रहते हैं, दूसरे के सुख की चिंता किसी को नहीं। अगर दिखती है चिंता तो वहां भी स्वार्थ छुपा है। इसके लिए कर दो 1,000 खर्चा, फिर 10,000 का काम करवा लेंगे बाद में, वहां भी स्वार्थ छुपा है। अरे बच्चा पेट में आया कि वहीं से स्वार्थ शुरू हो गया। अब ये बच्चा पैदा होगा, फिर बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, हमको वैकुंठ भेजेगा, प्लानिंग शुरू हो गई, वो भले ही पेट में मर जाए। ये बीमारी है, आनंद चाहिए ना। आनंद जब मिल जाएगा हम महापुरुष हो जाएंगे। आप कृपा ही कृपा करेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते। भगवत प्राप्ति के पहले कृपा कर ही नहीं सकते, भगवत प्राप्ति के बाद कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। राधा कृष्ण भगवान हो चाहे महापुरुष हो, दोनों का एक हाल है। अगर वो क्रोध करेंगे तो क्या करेंगे, मार डालेंगे ना। हाँ, तो भगवान के हाथ से जब मरेंगे तो गोलोक जाएंगे, ऐसा कायदा है। जितने राक्षसों को राम ने मारा, कृष्ण ने मारा, सब भगवान के लोक में गए, तो क्रोध भी उनका कोप है, उनके क्रोध का परिणाम तो अच्छा हुआ ना। अरे भाई देखो, एक पारस है, एक लोहा है, उसको प्यार से छुआ दो सोना बनेगा, लड़ा दो गुस्से में, अब भी सोना बना। वो वस्तु का एकत्व हुआ, वो फल मिलेगा। भगवान तो कृपा के समुद्र है और कुछ है ही नहीं उनके पास, वो किसी से नाराज हो, मार दे या उसको हृदय से लगावे, दोनों का एक फल है। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वो अंतर माया निवृत्ति के मामले में नहीं है। तो भगवान की कृपा कोप भी कृपा है। जब कालिया नाग को श्री कृष्ण ने दंड दिया तो नाग कन्याओं ने स्तुति की थी, तो उस समय कहा था क्रोधो पिते नुग्रह एव सम्मता। महाराज आपका क्रोध भी कृपा है, क्योंकि आपके द्वारा जो मरेगा वो आपके लोक को जाएगा, तो इसलिए कृपा और न्याय ये दोनों भगवान और महापुरुष ही कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो है क्रोध, ये सब मायाबद्ध करेंगे, करना होगा, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। अरे हमने एक आदमी देखा वो कभी क्रोध नहीं करता, जो तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ, एक स्त्री ने कहा हमको पति ने कभी डांटा ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब पति ने कभी क्रोध नहीं किया।
न्याय कभी नहीं करते हो। अच्छा, उनके अंदर घुसकर तुमने देखा? अरे दिन में 50 बार करते, एक दो बार नहीं। ऐसी बीवी मिली और जो बीवी सामने आई, क्या कर रही थी? बातें बना रहा, अब अंदर से अभी सोच रहा, ऐसी माँ मिली, ऐसा बाप मिला, ऐसा बेटा मिला। अरे क्या करें, सभी तो बिचारे अपना आनंद चाहते, तुमको सब आनंद दे, अपना आनंद कोई न चाहे, ऐसा कैसे होगा? इम्पॉसिबल, ये तो अननेचुरल है। सभी अपना अपना सुख चाहते हैं। अब एक डर के मारे न बोले, एक बोले, जिसको बड़ा है वो बोलेगा, बाप है, माँ है, पति है, डांटेगा, बोलेगा, हाँ, वो स्त्री है, वो लड़की है, वो लड़का है, वो अंदर में है, वो चुप हो जाएगा, लेकिन गुस्सा तो आया अंदर, वो तो आएगा। किसी के भी खिलाफ कोई बात भी होगी, क्रिया छोड़ो, खाली बात, एक सेंटेंस, तुम्हारा रंग बड़ा काला है, ये कह दिया किसी लड़के से, किसी लड़की से, तुम्हारा रंग काला है, ये बड़े गुर्दे हैं, पुराना शुरू हो गया। अब वो बड़ा है, नहीं बोल सकते। क्या करें, भगवान ने नहीं बना दिया। इसलिए यहाँ राधा रानी से जीव कह रहा है कि राधा रानी जी, आप क्या कोप भी अगर करेंगी तो वो कृपा है, हमारे कल्याण के लिए होगा। संसारी माँ भी छोटे बच्चों पर दिन में कई बार कोप करती है, क्योंकि बच्चे गलत काम को करेंगे, अभी बच्चे ही है, उनको कहाँ इतनी नॉलेज है। कोई बच्चा गलत चीज लेके मुंह में डाल रहा है, कोई अंड बंड जगह जा रहा है, गिर पड़ेगा, ए आ जा रहा, दिन भर डांटना पड़ता है माँ को, लेकिन वो कल्याण के लिए, दुश्मनी नहीं है। और वो माँ हमारी जो है भगवान, वो तो हमारा कल्याण ही चाहते हैं, भी नहीं, इसलिए उनका क्रोध भी कृपा है।